हाय एवरीवन, आई एम प्रगति फ्रॉम प्रगति प्रोग्रेस क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। और इससे पहले भी मैंने इसके जो चैप्टर थे कंप्यूटर एंड इट्स टाइप्स, जिसमें कि मैंने सिखाया व्हाट इज अ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ओके। और जो सेकेंड चैप्टर इसका है यूजेज ऑफ कंप्यूटर, उसमें ऑलरेडी मैंने बता रखा है यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या यूज होता है स्कूल में, बैंक में, रेलवे स्टेशन में। थर्ड चैप्टर इसका है मैन वर्सेस कंप्यूटर, वो भी मैंने करवा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके लिंक देख सकते हैं और वहाँ से ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड अ कंप्यूटर। और कीबोर्ड भी करवा रखा है, जिसमें आपके कीबोर्ड, अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, फंक्शन कीज़, सब के बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ है। उसके बाद मैंने मॉनिटर चैप्टर भी करवा दिया है, जिसमें मैंने मॉनिटर फीचर्स, साइज उसका क्या है, स्क्रीन का साइजेस क्या है, वगैरह वगैरह सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए और इसका सारा लिंक मिलेगा। तो आज हम ये चैप्टर करने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर, ओके। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वी गिव टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। द डिवाइसेस दैट हेल्प इन गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस क्या बोला जा किसे बोला जाता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर के अंदर है ना किया जाता है, उसे बोला जाता है इनपुट। और जो डिवाइसेस हेल्प करता है इंस्ट्रक्शन देने में, उसे बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। द रिजल्ट दैट कम्स आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। और जो ये प्रोसेस से जो आउटपुट निकलता है, उसे बोला जाता है आउटपुट डिवाइसेस, ओके। जैसे कंप्यूटर में आप कुछ राइटिंग करते हैं, उसके बाद लिखने के बाद जब जो प्रिंटर से बाहर जो निकालता है डिवाइस, वो जो बाहर निकालता है तो क्या निकालता है, प्रिंटर उसको बाहर करता है प्रिंट को, तो वो हो गया आउटपुट डिवाइसेस, है ना। और जो कंप्यूटर में म्यूजिक है, तो म्यूजिक किससे सुनते हैं, तो हम स्पीकर से सुनते हैं, तो वो हो गया आउटपुट डिवाइसेस, है ना। लेट अस अंडरस्टैंड द इनपुट प्रोसेस आउटपुट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। हम कुछ एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि ये इनपुट प्रोसेस और आउटपुट क्या है, ओके। मेकिंग ऑरेंज जूस यूजिंग अ जूसर। ऑरेंज जूस बनाने के लिए हम जूसर यूज करते हैं ना, तो पहले हम क्या करते हैं, हम ऑरेंज को उसमें इनपुट करते हैं, है ना। उसके बाद जो प्रोसेस करता है वो कौन करता है, जूसर करता है। और जो आउटपुट निकलता है वो क्या है, ऑरेंज जूस, ओके। पुट ऑरेंजेस इन द जूसर इनपुट। जूसर मेक जूस फ्रॉम ऑरेंजेस, वो क्या प्रोसेसिंग, है ना। जो मशीन में जूसर जो प्रोसेस हो रहा है जूसर मशीन में, उसे बोला जाता है क्या, प्रोसेसिंग, यानी जो घूमता है गोल गोल। वी गेट ऑरेंज जूस, वो हो गया आउटपुट। ग्रिलिंग अ ब्रेड यूजिंग अ टोस्टर। जब हम टोस्टर में ब्रेड को ग्रिल करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, जो ब्रेड है वो इनपुट हुआ, कहाँ इनपुट हुआ, टोस्टर में। और जो ग्रिलिंग का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो हो गया प्रोसेसिंग, और आउटपुट क्या निकला, टोस्ट, ओके। एडिंग टू नंबर्स ऑन अ कंप्यूटर, 4+5, ये क्या हुआ इनपुट, अब प्रोसेस हुआ, जो उसको जो हमने ऐड किया वो क्या हुआ प्रोसेस, और जो आउटपुट निकला क्या, तो 9 हुआ उसका आउटपुट, ठीक है ना। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस एग्जांपल्स। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ओके।
अभी आपने अच्छे से समझ लिया कि क्या होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। एक एग्जांपल और मैं देती हूँ वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन में जो हम क्लॉथ डालते हैं तो क्या है इनपुट, और जो उसमें धुलने का जो प्रोसेस चलता है मशीन का जो राउंड राउंड घूमता है और जो धुलने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस, और आउटपुट क्या निकलता है क्लीन क्लॉथ, है ना। इनपुट डिवाइसेस, सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू इंटर वर्ड्स एंड नंबर इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइसेस है जिससे कि हम कुछ भी टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर लिखाते हैं, टाइप होता है। माउस, अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस, है ना। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, और ये है जो सिलेक्ट करता है, ड्रॉ करने में हेल्प करता है ना। कर्सर जहाँ पे है, जिस चीज का हमें काम होता है, जिस विंडो को खोलना होता है, आइकॉन को खोलना होता है, तो उसमें कौन हेल्प करता है, कर्सर हेल्प करता है किसके द्वारा, माउस के द्वारा। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइसेस है जिसका हम यूज क्या करते हैं कंप्यूटर पे, उस पर गेम खेलने के लिए। ओके, स्कैनर, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू कॉपी एंड सेंड मैसेज टू अ कंप्यूटर। स्कैनर भी क्या है, इनपुट डिवाइस है जो कॉपी और मैसेज सेंड करने में हेल्प करता है ना। यानी आप कभी मॉल गए होंगे तो जिसपे नहीं लिखा हुआ, मान जो लिखा हुआ उसका प्राइस नहीं दिख रहा है, तो आपने स्कैन करते हुए देखा होगा, उसको स्कैन करते हैं और वो कंप्यूटर में ऑलरेडी चला जाता है। ठीक है, जो भी बड़े बड़े दुकानें हैं उनमें इस तरह की फैसिलिटीज होती है। दिस इमेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स ड्राइंग इन लोगोज। जो ड्राइंग रहता है उसमें लोगो बना रहता है, उसके द्वारा उसका फोटोग्राफ कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस इन अ कंप्यूटर। माइक्रोफोन है इनपुट डिवाइस है जिससे रिकॉर्ड होता है वॉइस। ओके, वेव कैमरा, वेव कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू कैप्चर फोटोग्राफ एंड स्टोर इट इन अ कंप्यूटर। और वेव कैमरा भी है जो इनपुट डिवाइस है जिससे फोटोग्राफ लिया जाता है और उसमें ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव हो जाता है। ओके, अब हम जानते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर, है ना। तो ये सारे है जो यूज होता है डेली कंप्यूटर पे। मॉनिटर, अ मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन इट्स स्क्रीन। तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है जो कि रिजल्ट दिखाता है स्क्रीन पे, है ना। जो आपने कुछ भी अभी अब राइटिंग किया तो पेपर कहाँ आपको दिखा रहा है, उस पर दिखा रहा है। किसी ने मूवी बनाया तो कहाँ पर दिखा रहा है, कंप्यूटर के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर दिखा रहा है ना। मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज VDU, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्रिंटर, अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइसेस विच इज यूज टू गेट आउटपुट ऑन अ पेपर, है ना। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है जिसका हम आउटपुट कहाँ पे पाते हैं, पेपर के ऊपर, है ना। बाहर निकाल के देता है, बाहर आ जाता है पेपर, कुछ भी उसमें आपने राइट किया, कुछ लेटर लिखा, तो सारा प्रिंटर आउटपुट देता है। स्पीकर्स, स्पीकर आर एन आउटपुट डिवाइसेस, दे आर यूज टू गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड। यू कैन लिसन टू म्यूजिक एंड अदर साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पीकर, है ना। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइसेस है जो कि हम स्पीकर के हेल्प से क्या सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, साउंड इसी से आता है, तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो आइए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ओके, अ ब्लैंक्स इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। तो हम क्या यूज करते हैं कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए, जॉयस्टिक। ब्लैंक्स इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू कैप्चर अ फोटोग्राफ। तो हम क्या यूज करते हैं, वेव कैम। अ ब्लैंक्स इज यूज टू गेट द रिजल्ट ऑन अ पेपर। पेपर पे क्या रिजल्ट आता है किससे, तो
प्रिंटर से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।